वाला पेन भी ले गई। पर्दा खुला रहने दो, हाँ इसको दोबारा से खोल दो। एक बार फिर से सभी मौजूद मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। वर्मा खेल का एक छोटा सा गांव धमांधरी पदों के गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। घर में एक गाने का माहौल था। इनकी माता स्वर्ग श्री बेगी देवी जी आकाशवाणी शिमला की बहुत ही अव्वल दर्जे की गायिका थे। उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया। पढ़ाई में इनका दिल बहुत कम लगता था, धीरे धीरे जवान हुआ। पहला गाना आज का दिन बीत गया ये इन्होंने गाया, दिन तो आना कल का, ये गाना आपने सुना होगा। मैंने भी सबसे पहला गाना इनका वही सुना था। और उसके बाद आकाशवाणी शिमला से एक गाना इन्होंने गाया था, आज भी वो गाना सुनने को मिलता है, राजू बोली हो तू भैया। आज भी धारावाहिक की कार्यक्रम में अक्सर वो गाना बजा करता है। लेकिन उसके बाद इस कलाकार की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन पीछे नहीं हटा, डटे रहा अपने मुकाम को हासिल करने के लिए, बिल्कुल डटे रहे। और उसके बाद टी सीरीज से हमारे देश की बहुत ही बड़ी म्यूजिक कंपनी है, उससे इस कलाकार ने एक नहीं दो नहीं बहुत सारी ऑडियो वीडियो कैसेट्स निकाले। मोनिका दरवाजा खोल दिल का, प्यारी इंद्रा जाना घूम दे जाखू, घंटी बाजी तेरे पोर्सो, डिम्पला सोनू, कितने गाने इस कलाकार ने गाए हुए। सच में ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि ऐसा कलाकार हमारे प्रदेश में है। गत वर्ष मैंने परसों भी कहा था, गत वर्ष रोमती ने बहुत धमाल मचा के रखा था, लेकिन इस साल बिमला ने रोमती को पीछे छोड़ा। इस साल गुट गुट मारे चाय रहना, ये गाना धमाल मचा रहा है। और बहुत बड़ी बात, ये कलाकार वन रक्षक जो एक हिंदी फिल्म है उसमें प्लेबैक इन्होंने किया है, एक बहुत बढ़िया गाना इन्होंने उस फिल्म में गाया है। और इसके अलावा यारियां आने वाली इनकी एक फिल्म है जिसमें इन्होंने एज एन एक्टर उसमें काम किया है, अभिनय किया है, बहुत जोरदार उनकी उनका अभिनय उस फिल्म में देखने को मिलेगा। यारियां उस फिल्म का नाम है। तो मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। कुलदीप भाई, चौधरी का चांद है सभी की आंखों का तारा है तू, हर शख्स से न्यारा है तू, सभी की तमन्ना है तुझे पाने की, क्योंकि हर दिल को प्यारा है तू, आवाज दे रहा हूं। अब तो पता क्यों आने वाला नाथ जी, सभी बोलेंगे मैं नहीं बुलाऊंगा आज, मेरा गला थोड़ा बैठ गया, कंटिन्यू प्रोग्राम में ही हम है ना भी देखती आंखों सुनते गानों को। कुलदीप शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले सतगुरु माता जी के चरणों में अपना शत शत नमन करूंगा, क्योंकि वहीं से ताकत मिलेगी, तभी मैं आपका मनोरंजन कर पाऊंगा। और अपने पूरे ग्रुप की ओर से उस महान गुरु की, उस दिग्गज जो हमारे अपर हिमाचल की आन बान और शान है, जिन्होंने 92 में इतिहास बनाया था। वो इतिहास बनते हैं टूटने के लिए, पर अभी तक वो टूटा नहीं है। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने जो इतिहास वहां से बनाया था, हमारे विधायक पूर्व विधायक राकेश वर्मा जी, सर आपको मैं शत शत नमन करता हूं अपनी पूरी टीम की ओर से। जोरदार तालियां लगा दो पीछे। और उनके साथ जितनी भी महान विभूतियां चंदेल साहब भी हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। जितनी भी महान विभूतियां, जितने दिग्गज वर्मा जी के साथ आए हैं, सबके लिए जरा जोरदार तालियां लगा दो पीछे।
तो शुरू करें जी। वर्मा जी जब सामने बैठे तो लगता है कि अपने घर में गा रहा हूं, मजा जो ना तो है। तो शुरू करें जी। सतगुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कंठ करो हरवेश जय जय। बोलो परी तोड़े जड़ों से शुरू करूंगा, उसके बाद फिर नए पुराने सारे होंगे। छोटी गाड़ी बड़ी चौड़ी ना तो लगी हाओ खाती वो पूरी तोड़े वर्मा जी
পরে রামরি আনিয়ে মাটিরে পরে thank you.
नाटी ही हम आपको फिल्म में गवाएंगे, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे हिमाचल के कल्चर के लिए, मेरे खेल की नाटी के लिए कि मुझे वहां पे शशि भाई नाटी गवाई उन्होंने।
अब हो सकता है कि मैं बहुत से फिल्मी गाने गा दूं, वो मैंने एक्टिंग भी उसमें मैंने खुद की है, वो नाटी 4.5 मिनट का मैशअप है, वन रक्षक फिल्म है, नए साल में आ जाएगी, वो नाटी मैं आपको सुनाता हूँ, सुना दूं। इधर लगी देखो उधर लगी, दिल्ली में लगी देखो बॉम्बे में लगी, मद्रास में लगी कलकत्ता में लगी, ऑल इंडिया की नाटी हिमाचली, नाटी लगी देखो नाटी मेरी, ऑल इंडिया की नाटी हिमाचली। स्टेशन प्रोग्राम थियो भागु आएंगे ना और रो कोने बोलियो कैसे मिले माने पियारी है रूम सीए और रो कोने बोलियो कैसे मिले माने पियारी है शशि भाई सुते मामे पिहुना सुते मामे पिहुना ताने घूम के प्याले प्यारिये रूमतिये सुनने मामे प्योड़ा ताने घूम के प्याले प्यारिये रूमतिये ओ घुट घुट मारे चेहरा बला पिंगला लगे बेगे जी भाई सुरेश भाई मेरा बड़े भाई जोरदार तालियां हो जाए। मैंने पहली बार जब अपना पहले जिंदगी का प्रोग्राम किया था तो पोल में किया था भाई बैठे टोपी वाले भाई मेरे सुरेश भाई तेज टाइम टोल की खानी दे होता प्रोग्राम हमारा है। ओ घुट घुट मारे तारा बिमला रे तेरे घुटड़े बिमला रे तेरे घुटड़े घुट घुट मारे आप भी घूमने आए हैं ना कहां से आए हैं मारेंगे तो नहीं आप एक छोरी चंजी गड़ा रे छोरी चंजी गड़ा रे I'm gonna get high.
आप जैसे घूमते जब लोग आ रहे हैं ना, फिर क्या होता है शहर और साढ़े लड़ रहो के ते पंजाबी आप पंजाब से हैं रहो के ते ऐश करोगे जिंदगी दे तारे मुझे ऐश करोगे ना 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 रे ना रे ना 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 रे Thank you.
Thank you.
बोलो आया 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 बोलो तो लीला
वो है राजेश गंधर्व, जिनका मैंने एक गाना भी गाया था, बहुत अच्छा ये वर्मा जी म्यूजिक तो देते ही है ना, पर ये साथ ही साथ लिखते बड़ा अच्छा। बताओ कौन सा गाना लिखा? अबे टाइम नहीं ना, डीजे पांडे है लागे ना दे, डीजे पांडे है लागे ना दे, हिमाचल उत्तराखंड में बन गया। तो ये मैं छोटे बच्चे को ही बैठे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ भाई, पढ़ना तो बड़ा जरूरी है भाई, मेरे तो घर में ये पैदा हो गया है 6 साल का, पढ़ाई में कम ध्यान है, गाना मेरे से भी बढ़िया गाता है। मैं इसलिए कहता हूँ भाई कि मेरी तो लग गई पार, कृपा होना कोई भाई तो लग जा पांडे, मेरे तो लगे ना पांडे, पर पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। मैं जो पढ़ाई जो नहीं की है ना उसके मैं जो खमियाजे भुगत रहा हूँ ना वो मैं जानता हूँ, पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्मा जी आपको सलूट मारता हूँ, चंदेल साहब जितने भी मान में बोले जितने दिख जाए सबके लिए जोर लाता रहा, हमारे खेल की आम बान और शान, हम आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए सर परमात्मा से अरदास करेंगे कि आप आने वाले समय में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, और आप समझ गए कि क्या होने वाला है वो होगा और हम आपके साथ हैं। थैंक यू रहा है, बहुत ही सफल आयोजन, एक समृद्धि चिन्ह भेंट किया जा रहा है वर्मा जी को, जोरदार ताली है इनके लिए। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा ऑनर है श्रीमान मदनलाल वर्मा जी, आप उनको एक समृद्धि चिन्ह भेंट करें। विशेष अतिथि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर अतर सिंह चंदेल जी हमारे बीच में थे और अभी भी हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रज्वल जी आप इनको भी एक समृद्धि चिन्ह भेंट करें। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में नगर परिषद की चेयरपर्सन वंदना मैम है, मैं निवेदन करूंगा प्रज्वल जी से आप इनको भी सम्मानित करें। साथ में सामने देखना जी तेरे को। नगर परिषद चीफ के वाइस चेयरमैन भी हमारे बीच में हैं, मैं निवेदन करूंगा मनोज रायता से आप आए और इनको सम्मानित करें। इधर देखना जी। निशु चंदेल जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी मंच पर आ जाए, आप इस एसोसिएशन के बिल्कुल स्तंभ हैं, पिलर हैं। और इसके बाद कुछ कलाकार बंधु, सबसे पहले विवेक राजकर अपनी सुरीली आवाज से हम सभी को इन्होंने मंत्रमुग्ध किया। विवेक राजकर, यशवंत हमसेठ,
यशवंत भाई, ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स यदि कोई भी, राजेश भाई आप यदि आप मुझे सुन रहे हो तो कृपया करके आप आ जाए। यशवंत सिंह, पंकज ठाकुर, यह हमारे यशवंत वाला ये इंसान है, बहुत जबरदस्त ठोडा जो नृत्य है उसके ये खिलाड़ी हैं, और साथ ही साथ झूली में भी इनका कोई जवाब नहीं है, वॉलीबॉल में भी इनका कोई जवाब नहीं है, क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं और गायक कलाकार भी बहुत अव्वल दर्जे के हैं। और इसके बाद रुद्रपेड़ के हमारे कैप्टन मिस्टर राजेश गंधार, ये हमारे राजेश गंधार हैं, और इसके बाद अपने मीठे मीठे संगीत से हम सभी को बदहोश करने वाले रुद्रपेड़ के हमारे कैप्टन मैं इनको कह सकता हूं राजेश गंधार, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और सैगर साउंड काकू, बहुत बढ़िया साउंड था, आप भी आ जाए गेटी की तरफ से, यदि मेरे भाई लोग सुन रहे हैं कृपा करके आप भी मंच पर आ जाए बिना किसी की शर्म से, शर्माने की जरूरत नहीं है, सच में आप हमेशा हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, आप आ जाए भाई साहब। संचालक शशि भाई, ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन मतियारे की तरफ से हमारे बीच में उनके प्रतिनिधि यहां पर हैं, कृपा करके आप मंच पर आ जाए, आपका भी बहुत सराहनीय योगदान इस एसोसिएशन के लिए रहा है, आपसे वक्त की कमी की वजह से जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स थे आपसे मैं क्षमा चाहूंगा, आपको दूसरे कैमरे से भी